डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, सुप्रभात सज्जनों, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पटवाल पहाड़ी। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि देहरादून में जो लेंटर पड़ता है वो किस तरह से लेंटर को डालते हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है यहाँ पे। और हमारे रिश्तेदार हैं, उनका मकान बन रहा है और उसमें आज लेंटर पड़ रहा है। तो जो लेंटर पड़ रहा है उसके लिए मेटेरियल जो होता है वो 2 तसले सीमेंट, 4 तसले रोड़ी और 6 तसले रेत डाल के ये मिक्सर मशीन में घुमा रहे हैं लोग। पानी डाल के अच्छे से उसको घोल बनाया जाता है, उसका मिक्सर बनाया जाता है और फिर ये मशीन के द्वारा ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है। और फिर उसके बाद छत में जो ऑलरेडी बांध रखे हैं तार उसके अंदर डाल दिया जाता है और वाइब्रेटर से उसको घुमाया जाता है ताकि वो बिल्कुल अच्छी तह तक उसका मेटेरियल पहुँच जाए और सीमेंट वो जो लेंटर है वो अच्छे से बन जाए। जो ये मशीन ऊपर लिफ्ट कर रही है सामान, देखिए थोड़ी क्या हुआ है, कुछ देर के बाद ये मशीन ख़राब हो गई एक्चुअल में ना, तो उसकी वजह से हमको दूसरी मशीन मंगानी पड़ी। तो उसकी वजह से रात हो गई, तो आप देखेंगे कि रात तक भी ये लेंटर का काम पड़ रहा है। ये लेंटर पे जो सरिया बांध दिए हैं और बिजली की फिटिंग के लिए पाइप ऑलरेडी उसके अंदर लगा दिए हैं ताकि बाद में सिर्फ लेंटर पड़ने के बाद बिजली के तार सिर्फ तार खींचे जाए। ये व्यवस्था लेंटर पड़ने से पहले करनी पड़ती है, काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है लेंटर के लिए। Thank you.
देखिए आपको अभी दूसरी तरफ है, दूसरी मशीन दिख रही होगी, वो मशीन खराब होने की वजह से दूसरी मशीन ला के फिर इसको लगाया और फिर इससे लेंटर डाला, तो इसकी वजह से रात 12 बजे तक ये लेंटर पड़ता रहा। और ये रोड़ी भी समाप्त हो गई थी, इसकी वजह से एक ट्रॉली फिर रोड़ी भी मंगाई गई, इसलिए रात भर फिर एक रात को तक आधी रात तक काम चलता रहा।